jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। श्रीलंका के खिलाफ बुधवार को हुए वन डे सीरीज के दूसरे मैच में रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए करियर की तीसरी डबल सेंचुरी लगा दी। वे एक से ज्यादा डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के इकलौते क्रिकेटर हैं। इत्तेफाक से ये डबल उन्होंने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के दिन ही लगाई। रोहित और ऋतिका की शादी 13 दिसंबर 2015 को हुई थी। टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हिटमैन रोहित शर्मा स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह के जीजा लगते हैं। दरअसल रोहित की वाइफ ऋतिका युवी की मुंह बोली बहन हैं। शादी से पहले ऋतिका बतौर स्पोर्ट्स मैनेजर काम करती थीं। एक इंटरव्यू में ऋतिका ने बताया था कि जब उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी, उस वक्त रोहित और युवराज दोनों उनके क्लाइंट थे। उसी वक्त से युवराज ने उन्हें अपनी मुंह बोली बहन मानना शुरू कर दिया था। इसके बाद ऋतिका युवी को राखी भी बांधने लगी। इस रिश्ते से रोहित शर्मा युवी के जीजा लगते हैं। युवराज ने इन दोनों के बीच मीडिएटर का रोल भी निभाया। साल 2008 में रोहित और ऋतिका की पहली मुलाकात भी युवी ने कराई थी। रीबॉक के लिए एड शूट के दौरान युवी ने ही दोनों को मिलवाया था। रोहित ऋतिका में पहले गहरी दोस्ती थी। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होने की वजह से ऋतिका रोहित से प्रैक्टिस सेशन के दौरान मिलती रहती थी। रोहित एक बार ऋतिका को बोरीवली स्पोर्ट्स क्लब ले गए थे। यहीं पर उन्होंने ऋतिका को प्रपोज किया था। ये ग्राउंड उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि उन्होंने यहीं से क्रिकेट खेलने की शुरुआत की थी। टीम इंडिया के प्लेयर्स के मुताबिक रोहित टीम के सबसे आलसी खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्हें जब भी वक्त मिलता है वे सो जाते हैं। इसके अलावा उन्हें शॉपिंग का खासा शौक है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने 4 जीन्स और 10 टी-शर्ट 1.5 लाख रुपए में खरीदे थे।